हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम निबंध लेखन पढ़ने वाले हैं, अनुशासन या फिर विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको अपने जीवन में सामाजिक नियमों का व मर्यादा का पालन करना पड़ता है। वह समाज के कुछ नियमों से बंधा है। यदि वह सामाजिक अनुशासन का पालन नहीं करता है तो वह सामाजिक मर्यादा से गिर जाता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुशासन मानव जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन के कारण ही वह समाज में मनुष्य कहलाने का गौरव प्राप्त करता है। अनुशासन के शब्द अनु जमा शासन दो शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है पश्चात और शासन का अर्थ है नियम, आदेश व मर्यादा। अनुशासन से तात्पर्य है नियम व आदेशों के पीछे पीछे चलना या उनका पालन करना। हर क्षेत्र में मर्यादा कायम करने के लिए नियम बने हुए हैं जिनका पालन करना सबके लिए नितांत आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुशासन। प्रत्येक व्यक्ति का समाज से प्रत्यक्ष संबंध होता है। एक विद्यार्थी विद्यालय व समाज दोनों जगह संबंध रखता है। इसी प्रकार अन्य लोगों के लिए भी जो कहीं कार्यरत हैं वहाँ और समाज दोनों जगह संबंध रखते हैं। समाज के कुछ नियम होते हैं, मर्यादा की सीमाएं होती हैं जिनके अंदर प्रत्येक को रहना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, शादी, पर्व आदि पर हम सामाजिक बंधनों से बंधे रहते हैं। समाज में बड़ों का सम्मान करने, छोटों से प्यार करना, यह भी अनुशासन है। हम समाज में एक दूसरे को सम्मान देते हैं और लेते हैं। यह सब कुछ सामाजिक अनुशासन का पालन करने पर होता है। व्यक्तिगत व पारिवारिक अनुशासन। अपने अपने परिवार के भी कुछ अनुशासन होते हैं। हम माता पिता का सम्मान करते हैं, भाई बहन प्रेम से रहते हैं। परिवार में हर छोटा बड़े का सम्मान करता है और आज्ञा का पालन करता है। ऐसा करने से पारिवारिक मर्यादा कायम रहती है। व्यक्तिगत रूप से भी हमें स्वयं को अनुशासन में ढालना पड़ता है। हम नियम के अनुसार समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, विद्यालय व अन्य जगह जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। इससे हम समाज व परिवार में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। विद्यालय में अनुशासन। अनुशासन के बिना एक विद्यार्थी विद्यार्जन नहीं कर सकता। विद्यालय में आदि से अंत तक विविध कार्यों के लिए नियम बने रहते हैं। उनका पालन करना सबके लिए नितांत आवश्यक है। उनका पालन ना करने पर हमें दंड मिल सकता है। हम निश्चित समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, प्रार्थना के बाद विधिवत कक्षाओं में जाते हैं। हर जगह एक पंक्ति बंद जाना एक अनुशासन है। फिर घंटी के अनुसार हम विषय बार पढ़ाई करते हैं। अंत में घंटी बजती है, हम घर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नैतिक अनुशासन भी हैं जिनका पालन हम श्रद्धा के साथ करते हैं। अपने गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठी भाइयों से प्रेम से रहना भी एक अनुशासन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुशासन। अनुशासित राष्ट्र ही सदैव उन्नति कर सकता है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कानून बने होते हैं, उनका सभी देशवासियों को पालन करना होता है। पालन ना करने पर हम दंड के भागी होते हैं। इनके अतिरिक्त हम जिस कर्म पर भी संलग्न हैं उसको हम राष्ट्रीय भावना से करें।
राष्ट्र से ममता व प्यार करें, यह हमारा राष्ट्रीय अनुशासन है। फाइनली लास्ट में उपसंहार, मनुष्य को पग पग पर अनुशासन का पालन करना पड़ता है, अन्यथा उसको हर जगह पर दंडित व लज्जित होना पड़ता है। जीवन के लिए अनुशासन की परमावश्यकता है, परमावश्यकता होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।